जय माता दी, मैं मंजू अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय दोस्तों, हम मोर मोनी की कथा सुनाते हैं। ये कथा सच्ची मानी जाती है, ये आदिकाल की कथा है। मोर मोनी पति पत्नी होकर भी इनका मिलन नहीं हो पाता है, इसके पीछे का क्या रीजन है, आइए हम आपको बतलाते हैं। किसी गांव में एक माँ का मंदिर था, उस मंदिर में कोई आता जाता नहीं था। एक दिन एक बच्ची खेलते खेलते उस मंदिर में आई। उसने देखा बहुत गंदगी पड़ी है, तो उसने साफ सफाई करने लगी और वो हर रोज आती साफ सफाई कर। तो माँ ने भी उस बच्ची पे अपनी कृपा खूब बनाई है। उस मंदिर में लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते, माँ का दर्शन करते और उस बच्ची को भी माँ का स्वरूप समझकर उसके आगे भी शीश झुकाते। एक दिन एक युवक उस मंदिर में दर्शन के लिए आता है और उस लड़की को देखता। वो युवक हर रोज मंदिर में आता और हर रोज उस लड़की को देखता। धीरे धीरे उस युवक को उस लड़की से प्रेम हो जाता। जब युवक लड़की को देखता तो लड़की शर्मा जाती, कुछ ना कहती। धीरे धीरे दिन बीतता गया और फिर उस लड़की को भी उस युवक से प्रेम हो जाता है। फिर उस युवक ने कहा, माँ ने हमें मिलवाया है और हमारा प्रेम सच्चा है। मुझे अगर पत्नी रूप में मिल जाएगा माँ, तो मैं अपना शीश आपको चढ़ाऊँगा। उस लड़की ने भी अपने मन की बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने लड़के के घर रिश्ता भिजवाया। दोनों का शुभ मुहूर्त में विवाह हो गया। दोनों घर की ओर जा रहे थे, साथ में लड़की का भाई भी जा रहा था। रास्ते में वही मंदिर पड़ा। लड़के ने सोचा, माँ का दर्शन कर रहा हूँ। अंदर गया तो उसने माँ का दर्शन किया और उसको अपना वचन याद आया, तो उसने तुरंत तलवार उठाकर अपना शीश चढ़ा दिया। बहुत देर हो गया, लड़का बाहर नहीं आया। साले ने सोचा, जीजा को बोलूं घर नहीं जाना है क्या। जब साला अंदर गया तो देखा सिर घर से अलग है, तो उसने सोचा, बहन को कैसे कहूँगा जीजा मर गया है। तो उसने भी अपना शीश काट दिया। फिर काफ़ी देखी तो मूर्छित हो गई और उसने भी तुरंत तलवार उठाई। कहा, न भाई रहा न पति, मैं रह के क्या करूँगी। तब माता ने तुरंत दर्शन देते हुए कहा, बेटी ऐसा। लड़की ने घबराहट में सिर उल्टा लगा दिया, धर पति का तो सिर भाई का। माता ने जिंदा कर दिया। लड़की ने कहा, माता मुझसे भूल हो गई। तो माता ने कहा, ये तुम्हारे भाग्य का दोष है, इसमें मैं क्या करूं। तब लड़की ने कहा, माता हम अगर पति पत्नी के तरह नहीं मिलेंगे तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तब माता ने कहा, नहीं बेटी ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। मैं तुम्हारे पति को मोर और तुम्हें मोरनी बनाती हूँ। मोर का मुख तो बहुत सुंदर होगा, परंतु जब मोर नाचेगा अपने पैरों को देखेगा तो उसको आंसू छलकेंगे। उन आंसुओं को चूंग लेना, तुम्हारे गर्भ रह जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि मोर मोरनी पति पत्नी की तरह नहीं मिलते, फिर भी उनके बच्चे होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता। वास्तव में मोर नाचता है तो मोरनी उसके पंख देखकर अति प्रसन्न होती है। मोर मोरनी के पीठ पर बैठकर क्लोकल किस के जरिए प्रजनन करते हैं, जिससे उन्हें संतान प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें।